नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे कमीशन न्यूज चैनल पर। आज इस वीडियो में आप सभी को डीए एरियर और दिवाली बोनस जो मिलने वाला है उसके एरियर जो बनता है उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि जुलाई 2022 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते में 4% की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर दी गई है, जो कि कम से कम 5% होनी ज़रूरी थी। इसके ऊपर सरकार ने अपने आदेश भी जारी कर दिए हैं जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपको जो डीए एरियर और दिवाली बोनस कितना मिलने वाला है। डीए के आदेश लास्ट में जारी किए तो इस मंथ की सैलरी में डीए 38% नहीं दिया जाएगा, परंतु दिवाली बोनस इस बार की सैलरी के साथ जरूर दिया जाएगा। अब आपको कितना एरियर और दिवाली बोनस दिया जाएगा उसका कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे वो भी अपने मिलने वाले एरियर और दिवाली बोनस की सही जानकारी प्राप्त कर सकें। यहाँ पर 7 पे कमीशन की पे मैट्रिक्स के अनुसार हर एक केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक पे उसके पे लेवल के अनुसार ली गई है। इसके बाद बेसिक पे में MSP, TPTL और DA को जोड़ा गया है जिसे आप यहां देख सकते हैं। यहां एक सिपाही की डिफेंस पे मैट्रिक्स के अनुसार बेसिक पे लेवल 3 की स्टार्टिंग पे है जो 21,700 है उसे लिया गया है। इसके बाद MSP 5200 रुपये जो सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रही है। इसके बाद इसमें TPTL जो CT के अनुसार दिया जाता है, यहाँ जेड क्लास CT का TPTL लिया है। TPTL 1800 रुपये या 3600 रुपये महीना CT के अनुसार दिया जाता है। अब इन तीनों का टोटल हुआ 28,700 रुपये। इस पर DA 34% के अनुसार हुआ 9,758 रुपये। अब DA 38% के अनुसार हुआ 10,906 रुपये। जो अब DA में बढ़ोतरी हुई है पर मंथ वह हुई 1,148 रुपये। इस तरह DA का एरियर जुलाई से अक्टूबर तक का हुआ 2,592 रुपये। इसी के साथ साथ दिवाली बोनस जो फिक्स हुआ 6,908 रुपये उसका कैलकुलेशन यहां दिखाया गया है। यहां 7,000 रुपये मिनिमम एवरेज पे सरकार ने फिक्स की है जो 2016 के समय 3,500 रुपये होती थी, जो कि 7th पे कमीशन में बढ़ाकर 7,000 रुपये की गई है। फिर नंबर ऑफ डेज जो 30, उसके बाद 12 महीने की एवरेज जो दिन होते हैं महीने के 30 और 31 उसके अनुसार निकाली है जो यहाँ 30.4 ली गई है। इससे यहाँ जो कैलकुलेशन तैयार हुआ उसमें 6,908 रुपये बने। इस प्रकार दिवाली बोनस आपको 6,908 रुपये दिया जाता है। सबसे अहम बात, दिवाली बोनस दिवाली से पहले की सैलरी में दिया जाता है तो यह कन्फर्म आपको इस बार की सैलरी में मिलेगा। इस तरह DA प्लस दिवाली बोनस हुआ 11,500 रुपये। जो एक सिपाही जो अभी इनरोल्ड हुआ है इसका कैलकुलेशन था, इसी तरह यहां नायक रैंक का कैलकुलेशन भी तैयार किया है, हवलदार रैंक का कैलकुलेशन, नायब सूबेदार रैंक का कैलकुलेशन और लास्ट में सूबेदार और सूबेदार रैंक का भी कैलकुलेशन किया है। इन सभी कैलकुलेशंस का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कितना मिलने वाला है दिवाली बोनस और एरियर दोनों मिलाकर उसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आशा करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुँच सके। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।